एक जोड़ा किसी सफर के लिए रवाना होता है और दूसरे दिन उनकी बेजान लाशें एक नाले में पड़ी हुई मिलती हैं। लाशों की शिनाख्त लगभग तुरंत हो गई, लेकिन इस डबल मर्डर केस का कारण पता लगाने में काफी वक्त लग गया। एक लव स्टोरी में एक विचित्र भयंकर ट्विस्ट था। मैं मुकेश कांटे, आइए सर, आइए। सर मैं यहाँ से काम के लिए जा रहा था तो देखा यहाँ पर दो लाशें पड़ी हुई हैं सर। चेक करो, कोई आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है। सर ये वॉलेट मिला है। अंकित राणे, इसका नाम अंकित राणे है। सर लड़की की बॉडी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिला। आप लोगों में से कोई जानता है इन दोनों को? आसपास के हैं क्या? इसके थाने का एड्रेस है आधार कार्ड में। और रसीद पर इसका फोन नंबर भी है। जी हाँ, अंकित राणे का घर यही है। बात क्या है? हाँ रेखा बोलो। रेखा, हमारा अंकित। रो क्यों रही हो? वो हमारा अंकित नहीं हो सकता। करजत के पास एक नाले में लाश मिली। लड़की की पहचान नहीं हो पाई अब। ये निधि है। आपके बेटे की पत्नी? नहीं। तो फिर कौन है ये? इसके घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये निधि है। निधि पवार नाम है इसका। सर अंकित क्या है बाबा? अरविंद और रेखा राणे इस वक्त बात करने की कंडीशन में नहीं है। निधि का एड्रेस मिलना बहुत जरूरी है कुलकर्णी, और ये हमें सिर्फ अंकित के माँ बाप ही दे सकते। सर हाँ स्वाति। सर हम लोग पिछले 3 घंटे से नाले में ढूंढ रहे हैं पर अब तक कुछ नहीं मिला। 2-4 घंटे और ढूंढो, सर्च का एरिया बढ़ाओ, दूर दूर तक ढूंढो, आसपास के लोगों से बात करो। देखो कोई भी चांस छूटना नहीं चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो और डाइवर्स मंगाओ। ओके सर। Please try again later.
कल सुबह लगभग 10 बजे घर से निकला था अंकित, बोला था कि रात को देर से आएगा या आज वापिस आएगा, बहुत काम था उसे। आई मेरे लिए खाने पे वेट मत करना, लेट हो जाऊंगा, शायद कल सुबह तक होगा। ठीक है। किस काम के लिए गया था अंकित? वो तो बताया नहीं था। उसने ये बताया था कि वो निधि पवार से मिलने जा रहा है? नहीं। निधि गर्लफ्रेंड थी उसकी? आप लोग जानते थे इस रिश्ते के बारे में? मालूम था। पर आपको ये नहीं मालूम कि निधि के माँ बाप कहाँ रहते हैं? पता नहीं, अंकित ने हमें निधि से मिलवाया था, हम उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। शायद इसलिए हम पर पूछताछ की नौबत आ गई है राणे साहब। आपको अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको अपने बेटे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। कौन सी दुनिया में रहते हो राणे साहब? मर्डर हुआ है आपके बेटे का और उसकी गर्लफ्रेंड निधि का। निधि के तो माँ बाप को यह भी नहीं मालूम कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है और क्यों हुआ। आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? अंकित की किसी से दुश्मनी क्यों होगी? हमारा लड़का बहुत ही डिसेंट था। क्या काम करता था अंकित? सेल्समैन था। कहाँ? एक जेवर के शोरूम में। बिल्कुल दूसरे लड़कों की तरह था हमारा अंकित, सिर्फ काम काम काम। रात को घर लौटा, खाना खाया, सो जाता था और अगले दिन फिर काम। सब कुछ नॉर्मल था। मर्डर नॉर्मल नहीं होता है राणे साहब। कुछ तो आपके बेटे की जिंदगी में ऐसा जरूर था जो नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता है, जो शायद आप लोग हमसे छिपा रहे हैं। सर हमें कुछ नहीं पता। शायद उसके दोस्तों को कुछ पता होगा। उसका सबसे करीबी दोस्त कौन था ये तो पता है ना? रोहित, रोहित तांबे। और एक मंगेश भी है। मंगेश? क्या यार, अपना अंकित? साला समझ में नहीं आ रहा यार, कोई अंकित को मारेगा क्यों? दोनों हमारी सोसाइटी में रहते हैं, रोहित और मंगेश, अंकित के अच्छे दोस्त थे। अरविंद जी, रेखा जी, पोस्टमार्टम होने के बाद ही आपके बेटे अंकित की आपको बॉडी मिल पाएगी। भरोसा कीजिए हम पर, हम बहुत जल्द आपके बेटे के हत्यारे को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सर, अंकित राणे का फोन कांजोर मार्ग रेलवे स्टेशन पे बंद हुआ। कितने बजे? कल 23 अगस्त को 11:30 बजे। सर, इस नंबर पे अंकित के सबसे ज्यादा कॉल्स गए हैं। किसका है? अभी स्विच ऑफ है सर। सर, मोरे ने पता लगाया कि अंकित का फोन सुबह 11:30 बजे कांजोर मार्ग रेलवे स्टेशन पे स्विच ऑफ किया गया था। और उसकी माँ का कहना है कि 10 के आसपास अंकित घर से निकला था। सर, मैंने कांजोरमार रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए, शायद कुछ निकले। गुड गुड करनी। मोरे सर, अंकित की जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई है उसकी डिटेल्स निकालो। हो सर। हाँ सर, ये निधि है, निधि पवार। एड्रेस? सॉरी सर, एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये घाट को पर में रहती थी। मंगेश, रोहित, अंकित तुम्हारा खास दोस्त था? हाँ सर। तुम्हारे खास दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड का बड़ी बेरहमी से कत्ल हुआ है, और कत्ल कोई एक्सीडेंट नहीं होता है कि अचानक से हो जाए। हर कत्ल का एक इतिहास होता है, मुझे वो इतिहास जानना है। अंकित ने कभी कुछ बताया था तुम लोगों से? सर, हमें तो कुछ नहीं बताया अंकित ने। सर, हम अंकित को बचपन से जानते थे, लेकिन लेकिन सर, जब से उसका निधि का अफेयर शुरू हुआ वो बदल गया था। कैसे? क्या बदल गया था उसमें? वो अपने आप में ही रहता था, उसके बाद से हम दोनों से तो मिलना ना के बराबर था उसका। तुम्हारे दोस्त अंकित की गर्लफ्रेंड थी निधि?
लेकिन अंकित के माँ बाप को निधि के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और अब तुम दोनों भी यही कह रहे हो कि तुम लोगों को भी खास नहीं मालूम निधि के बारे में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो तुम लोग हमसे छिपा रहे हो। सर, हमें भी अंकित ने एक ही बार मिलवाया था निधि से, बस। सर, एक्चुअली अंकित निधि को लेकर पोजेसिव था, वो अपने और निधि के बारे में हमसे बात ही नहीं करता था। ये दोनों मिले कैसे थे? अंकित और निधि पहली बार ज्वेलरी दुकान पर मिले थे, जहाँ अंकित सेल्समैन था। निधि को कोई जेवर बनवाने थे उसकी दुकान पर, अंकित ने बनवाए और उसके घर भी पहुँचाए, उसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। इस लव स्टोरी में कोई रुकावट, कोई तीसरा? नहीं सर, हम दोनों को तो कुछ मालूम ही नहीं है इस बारे में। अब क्या बताऊँ सर, अंकित मेरा बेस्ट सेल्समैन था। उसकी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी, कोई अनबन या कोई कॉम्पिटिशन? काम पर तो ऐसा कुछ नहीं था सर, और वैसे भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। वो अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखता था और कभी किसी से कुछ शेयर नहीं करता। सर, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक का फुटेज है। लड़के के पास है रक्सैक और लड़की के पास हैंडबैग, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला कुलकर्णी। सर, पूरा एक दिन 11 घंटों तक नाले को तलाश किया गया, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लड़का थाने का और लड़की घाट को पर की, मिलते हैं कांजूर मार्ग में, और इन दोनों की लाशें मिलती हैं करजत में। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों करजत में गए थे या फिर इन दोनों को कहीं और मारकर इनकी लाशों को करजत ले जाया गया। सर, अगर निधि का पता चलता तो हमें कोई लीड मिलती, लेकिन इस वक्त हमारे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है कि निधि घाट को पर से। कुलकर्णी, ये निधि को लेकर सबका सन्नाटा ना मुझे चुभ रहा है। कुछ तो अटपटा है निधि पवार के बारे में। वो लड़की हमारे बेटे के लिए श्राप थी, श्राप। नहीं नहीं, पूरे फोन रिकॉर्ड से एड्रेस ईमेल करो तुरंत। सर, निधि पवार के फोन रिकॉर्ड से उसके घर का एड्रेस मिला है। उसका फोन 1:15 स्विच ऑफ हुआ था। कहाँ? करजत में। शायद ये जोड़ा करजत गया था, या फिर किलर ने इनका मोबाइल फोन करजत ले जाकर स्विच ऑफ किया। चलो, जो भी है वो तो पता चल जाएगा, लेकिन ये अच्छा है कि इस वक्त हमारे पास निधि का एड्रेस है। अंकित राणे और निधि पवार की लाशें मिलने के एक दिन बाद पुलिस निधि पवार के घर पहुंच पाई, तो क्या अब पुलिस हत्यारे तक पहुंच पाएगी? ये केस सन्नाटे की चादर में लिपटा था, कई बातें गुप्त थी, पर क्या अब सवालों के जवाब मिलने जा रहे थे या फिर रहस्य में भीगे नए सवाल खड़े होने वाले थे? जी, निधि पवार का घर यही है? हाँ, निधि ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरी बहन के साथ? हमें कल सुबह ये लाश मिली है करजत से। नहीं, उसने कुछ नहीं बताया था मुझे, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब तक लौटेगी, कुछ भी नहीं बताया था। आज ऑफिस नहीं जाना है? नहीं, 3 दिन की छुट्टी ली है मैंने। क्यों? है कुछ काम, बाहर जा रही हूँ, फोन करूंगी। निधि की आदत थी, वो कभी कुछ बोल के नहीं जाती थी, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कुछ नहीं बताती थी। अपनी मर्जी की मालकिन थी मेरी बहन सर, कब आना कब जाना कुछ नहीं पता। हफ्ता हफ्ता भर घर से बाहर रहती थी, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता।
हम लोगों को तो इस बात की आदत पड़ गई थी। लेकिन निधि सर्विस कहाँ करती थी? सर ये घाट कोपर में वर्तक मोटर्स है, वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। निधि और अंकित राणे के रिश्ते के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। क्या बात है शशांक पिताजी, आप लोग चुप क्यों हो गए? आप लोगों की तरफ से भी मुझे सन्नाटा भगतना पड़ेगा क्या? सर हम जानते थे उन दोनों के बारे में, निधि ने जिक्र किया था। वो दोनों मिलकर करजत गए, क्यों गए ये नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। मैंने इसने हम दोनों ने मिलकर निधि को बहुत समझाया था, ये रिश्ता नहीं टिक पाएगा, बहुत दुख देगा, आखिर में बहुत दुख देगा। ये रिश्ता क्यों दुख देता है लता जी? वो लड़का निधि को कभी खुश नहीं रख पाता। क्यों? अंकित निधि को खुश क्यों नहीं रख पाता लता जी? सर हम ज्यादा नहीं जानते सर, अंकित से एक दो बारी मुलाकात हुई हमारी बस। शशांक तुम्हारी बहन और लता जी आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका और उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल हो चुका है, इसलिए आप दोनों मेरे सामने पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे मुझे बताइए कि माजरा क्या है। आपने किस हिसाब से कहा कि अंकित निधि को खुश नहीं रख पाता, वजह है लता जी? वो लोग निधि से नफरत करते थे। फिर पहले वो कौन लोग लता जी? अंकित के माँ बाप। क्या क्या कहा आपने? मैंने पूछा कि क्या आपने अंकित और निधि को मरवाया है? अंकित मेरा इकलौता बेटा था, मैं क्यों मरवाता उसे, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो लड़की हमें पसंद नहीं थी, वो रिश्ता हमें पसंद नहीं था। आपको लगता कि मैंने अपने बेटे को मरवा डाला? राणे साहब घमंड ना अक्सर खून से गाढ़ा होता है। इतने सालों की अपनी ड्यूटी में मैंने देखा है कि माँ बाप घर की इज्जत खानदान धर्म के बहाने अपनी औलाद को सिर्फ इसलिए मरवा डालते हैं कि उनकी पसंद उनको नापसंद होती है। राणे साहब मैं एक बार और पूछ रहा हूं, क्या आपने ही अपने बेटे अंकित और उसकी गर्लफ्रेंड निधि की हत्या करवाई है? नहीं करवाया। यह भी सच है कि हमें वो लड़की पसंद नहीं थी, वो रिश्ता पसंद नहीं था। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उसने हमारे बेटे पर। हमारा लड़का एकदम सीधा साधा था, पता नहीं उस लड़की ने क्या बना दिया था उसे, एकदम से बात करना कम कर दिया था। घर में रहकर भी ऐसा लगता था जैसे कि अजनबी रह रहा हूं। हमें लग रहा था कि हमारा बेटा फंस गया, उसका दम घुट रहा था, इसीलिए हमें लगा कि वो रिश्ता उसके लिए ठीक नहीं है, कोई खुश नहीं होगा। लेकिन अपने बेटे को मरवा डालना, वो भी एक लड़की के लिए, नहीं सर, अंकित हमारी जान था, अगर हमने उसे मरवाया होता तो हम भी जिंदा नहीं होते, नहीं होते हम जिंदा। निधि और अंकित के रिश्ते से दोनों ही फैमिली नाखुश थी सर, लेकिन निधि की माँ लता पवार ने कुछ ज्यादा डायरेक्टली राणे परिवार पर आरोप लगा दिया। कुलकर्णी ये भी तो हो सकता है कि नफरत की ज्वालामुखी अपने ही अंदर बुलबुला रही हो और लोग लावा किसी और दिशा में फेंक रहे हो जानबूझकर। शशांक ये मेरी जिंदगी है, सिर्फ मेरी। नहीं निधि, तुम्हारी जिंदगी मेरी और आई की जिंदगी से जुड़ी हुई है, इस घर से जुड़ी हुई। मैंने आज तक तेरे लिए कोई लकीर नहीं खींची, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू सही और गलत के बीच की लकीर ही देख ना पाए। ऐसा मैंने क्या किया है जो तुम्हारे घर पे तुम्हारी इज्जत पे बात आई है? निधि तुम बिना बोले कहीं भी चले जाती हो, रात रात भर घर से बाहर रहती, तुम्हारे दिमाग में जरा भी आता है कि सोसाइटी के लोग हैं हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? बोलो मुझे तुमसे या उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, 25 साल की हूँ, खुद का कमाती हूँ खुद का खाती हूँ। तेरे लिए हम दोनों परेशान होते रहते हैं निधि, अंदर से घूटते रहते हैं कि तू ठीक तो है, और ऊपर से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं हमें। कल जब मैं ऑफिस से आऊंगी ना मैं रुई लेकर आ जाऊँ, हाँ तुम लोग दोनों अपने कान में डाल के बैठ जाओ। निधि चुप कर, बहुत हो गया। रोज का झगड़ा, चीखना चिल्लाना, और निधि जब भी घर में रहती थी तो 100% देर रात तक चलता था ये सब। ऐसा क्या करती थी वो लड़की? मैडम अब जमाना बदल गया और माँ बाप कितना बच्चों को पकड़ के रख सकते हैं, और ये जो लता पवार है ना थोड़ी पुराने ख्यालों की है, छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी।
किसी लड़के को लेकर हमेशा लड़ाई होती रहती थी तीनों में, और कभी कभी तो आधी रात को निधि के चिल्लाने की आवाज भी आती थी। लड़ाइयाँ किस घर में नहीं होती सर? और अगर सवाल बेटे की जिंदगी का हो तो माँ तो आवाज उठाएगी ना। पर आपके चिल्लाने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि निधि ने अंकित का हाथ और मजबूती से था। समझौता करना पड़ता है सर। हम लोग तो रोज भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि किसी भी तरह निधि पे कोई आंच ना आए। फिर भी आपको मन ही मन लगता रहा कि निधि पर आंच आएगी। एक माँ को पता लग जाता है सर, अपने बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है पता लग जाता है। एक आवाज आती है अंदर से, और आपकी अंदर की आवाज ने आपसे कहा कि निधि की आवाज को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए, और साथ में उसके प्रेमी की आवाज को भी। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? निधि बहन थी मेरी, मेरी माँ के जिगर का टुकड़ा थी वो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं सर? और उसको मारकर क्या मिलता हमें? मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम हमें ये बताओ कि निधि को मारकर तुम्हें क्या मिला। निधि बहुत जिद्दी थी, उसके मन में जो आता वो वही करती। उसे ना मेरे ना इसकी मर्जी की कोई परवाह थी। पर बेटी थी मेरी, बेटी थी मेरी वो। ऑनर किलिंग के केसेस सिर्फ देहातों में नहीं होते, बल्कि बड़े शहरों में भी ये पिछड़ा हुआ ख्याल अपना भयंकर चेहरा बार बार दिखाता है। राणे और पवार दोनों परिवारों में बराबर की नाराजगी थी अंकित और निधि के संबंधों को लेकर, लेकिन ऑनर किलिंग साबित करने वाला पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई सुराग। जैसे जैसे पुलिस मेहनत करती गई, वैसे वैसे इस केस के नए नए पहलू सामने आए और तहकीकात के नए मोर्चे खुलते गए। आप लोग राणे और पवार के परिवार पर शक करना छोड़ दो। जिंदगी में ये लोग एक मच्छर नहीं मारे तो अपने बच्चों को क्या मारेंगे सब? पर किसी ने तो मारा है, जान से। अब तू हमें कुछ बता गोविंद। देख इतना मैं जानता हूं, तू यहां आया है तो खाली हाथ तो आया नहीं होगा, और खाली हाथ जाएगा भी नहीं। साहब ये पहले प्यार की कहानी वानी नहीं है। वो तीसरा था? तीसरी थी, और चौथा भी था। ये अंकित का एक पहले गर्लफ्रेंड रह चुकी है, और इस निधि का एक हीरो भी था साहब। नाम? निधि के पहले बॉयफ्रेंड का नाम है सागर दलवी। उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है जहां पे निधि रहती थी। और अंकित की पहली गर्लफ्रेंड का नाम? रचना शाह। ऑटो। कोई चोट खाए प्रेमी का एंगल है क्या? साहब पहला प्यार तो पहला प्यार होता है। ये निधि और अंकित का गुडलक अच्छा था, दोनों साथ में मिले, मामला सेट हुआ और आगे निकल गए। अब अपने को ये क्या पता कि रचना शाह और सागर दलवी का क्या हुआ। दोनों तड़पे हो गए, जले हो गए। अब लव स्टोरी है साहब, कुछ बोल नहीं सकते ना किसी को। जाहिर सी बात है सागर, अंकित के बारे में तो तुम्हें मालूम ही होगा। अंकित राणे। हाँ सर, मुझे मालूम था अंकित राणे। ये सागर तुम्हारे लाइफ से अभी भी नहीं निकला। What? What's wrong with you? मैं वहां तुम्हारा वेट कर रही थी और अचानक वो सागर वहां टपक पड़ा। मैं तो उसका सुन भी नहीं रही थी, वो बोले 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 जा रहा था। जो भी हो, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ निधि, मुझे उसका तुमसे ऐसे मिलना भी मंजूर नहीं है, और ये बात तुम उससे क्लियर कर लेना। निधि ने मुझे बोल दिया था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हाय हेलो भी नहीं चलेगी। अंकित को पसंद नहीं था। और ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि निधि तुम्हें छोड़कर अंकित के पास चले गई? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था सर। तो फिर कैसा था? हाँ कैसा था सागर? अंकित की पीठ पीछे निधि के साथ पहले जैसा चल रहा था? सर मैं और निधि बचपन से साथ में रहे थे, एक ही कॉलोनी, एक ही स्कूल में पढ़े थे।
तुमसे यह सहा नहीं गया कि निधि तुम्हें छोड़कर अंकित के पास चली गई, इसलिए तुमने अंकित को मार डाला। पर निधि क्यों? निधि क्यों? निधि तो तुम्हारा प्यार थी ना। नहीं सर, मैं ऐसा मर्डर वर्डर क्यों करता? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते सागर? आधे से ज्यादा मर्डर लव अफेयर की वजह से होते। पर सर, मेरा और निधि का ना तो लव था और ना ही अफेयर था। तो फिर क्या था? हाँ, क्या था तुम दोनों के बीच? आदत थी, जरूरत थी, मौका था। सब चले गए क्या? दरवाजे पर आने के बाद पूछेगी तू। मरवाई एकदम, अंदर आ जल्दी। हमने एक दूसरे से कभी ऐसा कुछ सीरियस बोला बोला नहीं था। हम तो साथ में घूमते घूमते भी नहीं थे, ना ही आगे की कुछ बात करते थे। हमारे बीच में सिर्फ जिस्मानी रिश्ते थे। और फिर जब निधि अंकित के लिए सीरियस हुई तो मुझे फिर रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ा साहब, क्योंकि हम दोनों तो फिर भी मिलते थे, सब कुछ पहले जैसा ही चलता था। बस निधि के पास टाइम कम होता था और मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं अंकित देख वेख ना ले। उसके अलावा कुछ भी नहीं था साहब। मुझे निधि के मर्डर का और अंकित के भी मर्डर का बहुत शौक बैठा है साहब, मगर भगवान की कसम मेरा इन मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था साहब। मैं तो निधि के लिए सीरियस भी नहीं था साहब। मैं अंकित को लेकर काफी सीरियस थी सर। 2 साल पहले तक मेरा अफेयर भी था उसके साथ। तुम्हें अंकित और निधि के बारे में मालूम था? ऑफ कोर्स सर, मुझे पता था। मैं ज़रा टच में तो नहीं थी उसके साथ, पर एक आध बार जब भी टकराती थी तो थोड़ी बहुत खबर मिलती थी। और क्या बुरा लगा सुन के उनके बारे में? क्या सुनकर? यही कि किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। जब तुम्हें पहली बार अंकित और निधि के अफेयर के बारे में पता चला तो तुम भी अंदर से मर सी गई होंगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मैं तो खुश हुई थी कि अंकित की लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई है। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? स्टॉप इट यार अंकित, बहुत हो गया। मैं कहीं भी जाऊं, किसी से बात करूं, किसी से मिलूं, मुझे तुम्हें हर बात की रिपोर्ट कार्ड क्यों देनी पड़ती है? रियली तुम्हारा इस तरह से शक करने की वजह से मेरा दम घुटने लगा है। रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव होना नहीं अच्छा है। अरे लवर्स पॉजिटिव नहीं होंगे तो कौन होंगे? लेकिन सिर्फ इसी चीज से हमारी पहचान नहीं होती है। हाँ हम लवर्स हैं, पर हमारी अपनी पर्सनल लाइफ ही तो है। मेरी तो एक ही लाइफ है, जब से दो लोग रहते, एक मैं और एक तुम। और अगर तुम्हें यह लाइफ बहुत छोटी लग रही है जैसे कि तुम कह रही हो, तो बेहतर होगा कि हम मैं तुम्हारी बात को पूरा कर देती हूँ। बेहतर होगा कि हम अपने अपने रास्ते जाएं, ब्रेकअप कर लें। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उस दिन कितनी खुश हुई थी, जैसे सर से, सीने से, गले से मोटे मोटे पत्थर हट से गए हों। अब तो अंकित भी हट गया। जो भी हुआ सर, बहुत बुरा हुआ। उन दोनों के मर्डर के बाद बहुत तकलीफ हुई। मैं अंकित को बहुत करीब से जानती थी, अच्छी अच्छी यादें हैं उसके साथ। पर सर कहते हैं ना, ब्रेक ऑफ रिलेशन से होता है, अच्छी यादों से नहीं। कुलकर्णी ये हो क्या रहा है? प्यार मोहब्बत पर लेक्चर सुने जा रहे हैं हम लोग और मर्डर केस में एक इंच आगे नहीं बढ़ रहे। सर विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन हुई है, उनकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाली गई, लेकिन मर्डर के दिन के बारे में कुछ नहीं पता चला। अंकित और निधि कहाँ गए थे, किससे मिले थे, उनके साथ क्या हुआ, इनके बारे में भी कुछ नहीं पता चला। देखो जरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है क्या? हो सकता है उनकी लाशें हमारे लिए कोई संदेशा लेकर आई। सर कांजुर मार्ग स्टेशन पर मिलने के बाद ये जोड़ा करजत गया या ले जाया गया, ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। ट्रेन में बैठने के बाद क्या हुआ था ये किसी को नहीं मालूम था। बस अगले दिन उनकी लाशें पाई गई थी एक नाले में। उस सफर की शुरुआत से लेकर मर्डर होने तक का समय मानो एक अंधेरी टनल थी, जिसमें से इन्वेस्टिगेशन की ट्रेन बाहर रोशनी में आ ही नहीं पा रही थी। पर आखिरकार रोशनी की किरण आई जब इस बिना किसी सुराग के डबल मर्डर्स के 5 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेश हुई। सॉरी फॉर द डिले इंस्पेक्टर, पर हाँ पोस्टमार्टम हो गया है। कोई काम की चीज मिली डॉक्टर? हाँ है, अभी तो इतना डिले हुआ है। ऐसा कुछ पहले मैंने नहीं देखा इंस्पेक्टर, आप अभी के अभी यहाँ आ जाएंगे तो बेहतर होगा।
क्या हुआ टीना? हरीश, हाँ बोलो, क्या हुआ? निधि मर गई है। क्या? हाँ, मुझे मम्मी ने बताया था पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने अभी लता काकी को फोन किया। पर ये हुआ कैसे? वो कह रही थी कि निधि और अंकित का किसी ने मर्डर कर दिया है। अभिषेक? हाँ सर। लोकेश आया है काम पे? नहीं सर, और फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। अच्छा, वो किसी का फोन वोन तो नहीं आया था ना? मतलब कोई आया था यहाँ पे कुछ पूछने उछने? मतलब सर? बे, पुलिस पुलिस का फोन तो नहीं आया था ना? नहीं नहीं सर। क्या हुआ लोकेश, आज भी दांडी मारेगा क्या? काम पर नहीं जाने का? हाँ, नहीं जा रहा। सूरदास काय को बना हुआ है? हाँ, तू फोन भी नहीं उठा रहा है? वो तबीयत डाउन है। ये डबल मर्डर केस नहीं है। तो फिर? एक मर्डर है, एक सुसाइड है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता? ये लड़की निधि पवार, इसका गला काटा गया है। क्लियर कट केस ऑफ मर्डर, शायद किसी चॉपर या छुरे का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये अंकित राणे, इसके गले पर जो ये निशान है, ऐसा लगता है किसी ने गला घोंट दिया है, पर एक्चुअली में ये रस्सी का निशान है। मतलब आपका कहना है कि निधि का कत्ल हुआ और अंकित ने सुसाइड किया? यस, लगता तो कुछ ऐसा ही है। लड़की की मौत का टाइम बॉडी मिलने से तकरीबन 12 घंटे पहले का है। सर, हम बॉडी सुबह के 9 बजे के आसपास लेकर आए थे, इसका मतलब लड़की की मौत रात के 9 बजे करीब हुई थी। यस, रात 9 और 10 बजे के बीच। अंकित की डेथ की टाइमिंग क्या होगी डॉक्टर? अंकित की मौत बॉडी मिलने से 9-10 घंटे पहले हुई। मतलब रात के 11 और 12 के बीच। यस, सो इट्स कन्फर्म कि लड़की की मौत पहले हुई है, लड़के से लगभग 2 घंटा पहले। इस हिसाब से निधि का कत्ल हुआ और उसके लगभग 2 घंटे बाद अंकित ने सुसाइड किया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हुआ कहाँ, और फिर इन दोनों की लाशें नाले तक कैसे पहुंची? चलो एक बार को मान लेते हैं कि अंकित ने निधि को कहीं और मारा और फिर उसकी लाश को नाले में फेंक दिया, पर वहीं पर खुद को लटकाकर अपनी जान भी ले ली। सर, लेकिन नाले के पास हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, मतलब रस्सी या कुछ और। अगर अंकित ने निधि को नाले के पास मारा तो फिर हमें मर्डर वेपन तो मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। और फिर अंकित की लाश नाले तक कैसे पहुंची? किसी ना किसी ने तो उसको वहां फेंका होगा। सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा है। इस वक्त मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि लड़की की मौत पहले हुई और उसके तकरीबन 2 घंटे बाद लड़के ने सुसाइड किया। अब ये लाशें नाले तक कैसे पहुंच गई, दैट्स अ मिस्ट्री। वो
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस डबल मर्डर केस को सिंगल मर्डर और सुसाइड केस में बदल दिया। अब सबको हैरान करता एक सवाल जोर से गूंज रहा था कि आखिरकार वो दोनों लाशें करजत के पास उस नाले में कैसे पहुंची। इस केस में कई पेचीदा सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे। उस लॉज का इस केस से क्या ताल्लुक था? रूम नंबर 16 में क्या हुआ था? वहां के एम्प्लॉइज को ऐसा क्या मालूम था? ये टीना बर्डे कौन थी जिसे अंकित और निधि की मौत के बारे में जानकर शॉक लगा था? क्या जानती थी टीना बर्डे? इस केस ने अब ना सिर्फ अपना गियर बदला था बल्कि रूट भी बदल गया था, लेकिन मंजिल अब भी बिल्कुल धुंध में थी। राज ज्यों का त्यों बना हुआ था। आखिरकार उस दिन अंकित और निधि के बीच और उनके साथ हुआ क्या था? ये बताने के लिए निधि और अंकित दोनों जिंदा नहीं थे, तो फिर खुलासा कैसे होता? इस राज से पर्दाफाश हम करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, ट्रैफिक सिग्नल पर लापरवाही किसी और की और आपकी जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।